हेलो गाइस, कैसे हो सब? आप सब बढ़िया और मस्त होंगे और तंदुरुस्त। तो वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो आज धूप है, बारिश नहीं हो रही। अब बारिश एकदम से बंद हो गई, इतनी बारिश हुई इतने दिन अचानक से, तो अब बंद हो गई है, अब हो नहीं रही। और गर्मी इतनी ज्यादा हो गई ना, बाहर धूप निकलने का मन ही नहीं करता। घर से निकलना भी क्या है, जाना भी कहाँ है। तो अभी जा रहा था थोड़ा बाइक को मैं छोड़ने, तो बस इसको करते हैं ड्रॉप मासी जी के घर पर, फिर उसके बाद देखते हैं आज के दिन और क्या क्या सीन बनते हैं। इसी के बहाने निकल रहा हूँ और देखते हैं क्या शूट हो पाता है। तो करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत भोलेनाथ जी का नाम लेकर, हर हर महादेव। आप करो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ जो आप देख रहे हो ना। हाँ कर दो यार, प्लीज यार, मेरे को पता आपने कर दिया, ठीक है कर देना यार, ठीक है। तो बाकी को भी बोलो करने के लिए। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत और आप करो इंट्रो को एंजॉय। अचानक से मौसम में बदलाव, मेरे को लग रहा है भगवान ने सुन ली मेरी कि धूप से बाहर नहीं निकल रहा बेटा, तो छांव कर देते हैं। तो छांव सी हो गई है, मतलब पीछे तो धूप थी, इधर थोड़ा मौसम ठीक हो गया आगे, क्या पता शाम तक बारिश ना आ जाए। चलो जी, इसका भी टाइम हो गया है कुछ पीने खाने पीने का, इसको भी इसके शोरूम में लेके आए हैं कुछ खिलाने पिलाने। तो बाइक को तो छोड़ दिया, तो अब देखते हैं अपना क्या सीन है। अपना तो जा रहे हैं अब घर पर ही वापस, तो देखता हूँ रास्ते में कोई सीन बनता है तो क्या करें यार। डेली ब्लॉग ऐसे ही होगा ना, रोज रोज गाड़ी यहाँ से लेके आऊँ यार दिखाने के लिए। रोड देख रहे हो, हमारा लुक डलती नहीं है और यहाँ पे रोड ही उखाड़ दिया हमारे। अब नाली से पता नहीं क्या पाइप शाइप कर रहे हैं, तो बस बारिश का मौसम चल रहा है। जैसे ये साइड से बह गया, बस एक बारी बारिश पड़ने तो ये भी सारा बह ही जाएगा। ऐसे खड्डा ऊपर बना है, ये भी खड्डा बन जाएगा। स्पीड ब्रेकर एक और ऐड हो गया हमारे रोड पे। तो गाइस अंदर लेटा हुआ था, ठीक है। तो अभी ना मैं जाने लगा हूँ, क्या बोलते हैं इसको, मैं ना जिम के लिए निकल रहा था, तो ना गाड़ियां देखो आगे पीछे करने पड़े, थार लगा रहा था अंदर। तो मैं सोच रहा था चल पापा वाली ले जाता हूँ, थार को अंदर लगा देता हूँ, इसको धोना भी है। तो थार लगा रहे हैं अंदर, पहले स्विफ्ट निकाली वो लगी है, फिर अब ग्लैंजा निकाली, अब थार निकाली, थार अंदर लगाऊंगा, फिर स्विफ्ट अंदर लगाऊंगा, फिर ग्लैंजा लेके जाऊंगा। तो चलो जी पहले अंदर से अंदर कर लेता हूँ गाड़ियां, ग्लैंजा को थोड़ा वॉश करने लेके जाना, हालत तो इसकी भी खराब है, इसको भी करना है वॉश। ये चलो मैं घर पे कर लूंगा खुद, ठीक है ना, रात को, क्योंकि इसका अंदर साफ साफ अंदर साफ अंदर इतनी नहीं है, अंदर से मैं कर लूंगा थोड़ी बहुत ही, बाकी वो करने वाली है क्या बोलते ग्लैंजा ज्यादा साफ करने वाली है, तो इसलिए उसको लेके जा रहा हूँ धुलवाने के लिए, देखते हैं क्या बनता है। तो हरियाणा वाला लोंडा आ गया वापस, आया था नीचे कहता चल फिर मैं चल कोई नहीं दिखने आप पे, हरियाणा से हूँ क्या। हाँ क्या हाल है तेरा, ठीक है। मैं कदू आ रहा नवा, अच्छा तू ठीक रहा, तो आ रहा ना चक्कर लाइए हैं, ये प्रोग्राम है। तो गाइस मैं जा रहा हूँ इसको लेके थोड़ा वॉश करवाने, पता कहाँ पे, जहाँ पे हमने उस दिन थारे वॉश करवाई थी ना रात को ऑफ रोडिंग के बाद, थार और फॉर्च्यूनर, बस वहीं पे जा रहा हूँ वॉश करवाने इसको। देखो हरियाणा से आया है रात को ट्रेन में आया, नहीं क्या लगे सफर करने यहाँ ट्रेन च, बड़ा मजा आया। नहीं यार मजा आया नहीं यार, चलो ठीक है चंगी गल, मजा आया। चलो चलने हैं जी, करवाते हैं इसको वॉश, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का प्रोग्राम। लो गाइस पहुंच गए सर्विस स्टेशन, इसको करवाते हैं वॉश अच्छे से अच्छे। इसकी ना नीचे मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपक गई हुई है ना, तो इसलिए मैं वॉशिंग कराना है, हमारा वैक्यूम क्लीनर नहीं है एक्चुअली में ना, नहीं तो बंदा खुद भी कर ही लेता है तो इसी गाड़ी को वॉश, कोई चक्कर नहीं था इतना था। तो मैं सोचा चलो पहली बार बाहर से करवा लेते हैं अच्छे से वॉश, फिर उसके बाद जब अपना वैक्यूम क्लीनर ले लेंगे हम तो थोड़ा बहुत बंदा घर पर कर ही लेता है। लो जी चलिए ऊपर जाने, फोम वगैरह भैया जी ने लगा दी, अब कपड़ा शपड़ा बजेगा इसको और अच्छे से साफ सूफ करके तो ले जाएंगे घर पर, बस के बाद कपड़ा मार के पानी मारना है उन्होंने, वैक्यूम शैक्यूम हो गया सब खत्म। तो गाइस गाड़ी हो गई अपनी डन, लेकर पूरी अच्छी तरह कर दी वॉश। चलो जी चलते हैं अब जिम। चिकर
तो जिम से निकलने के बाद सीधा आए हैं हम मलाई चाप खाने। आज जिम नहीं ना गई, थोड़ा दर्द हो रही थी गोड़े में, गया था ऊपर मैं, वहां बैठा गप शप लगाई, बस निकल के आ गया। तो अभी आया मलाई चाप खाने, तो देते हैं ऑर्डर, तो खाते हैं मलाई चाप और चलते हैं फिर घर। तो गाइस इच्छित को मैंने छोड़ दिया, तो जा रहा हूँ घर पर वापिस। तो थोड़ा सामान लिया मैंने घर वालों के लिए, मैं रोज हम खाते हैं कुछ कुछ, चलो मैं आज घर पर भी ले जाते हैं, कभी कभी लेकर जाता हूँ, लेकिन तब मैं शूट नहीं कर रहा था। चलो आज शूट भी कर रहे हैं और लेकर भी जा रहे हैं, तो शूट कर लेते हैं। तो वैसे तो मज़ा आया आज के दिन से, मतलब यार थोड़ा ना लेट उठ रहा हूँ उसकी वजह से, थोड़ा सा दिन लग रहा है बहुत छोटा है, थोड़ा जल्दी उठना है कल से, 9:30 के करीब करीब उठ जाया करना है, बस जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी नींद आए आपको भाई उठेगा कल से, उठेगा 9:30 उठकर, फिर उसके बाद तैयारी करेगा ब्लॉग की कहीं जाने की। ठीक है तो चलते हैं घर, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है, अगर घर पहुंच कर कोई बनता है प्रोग्राम। गाइस आ गया हूँ घर पर वापस। तो ये ब्लॉग छोटा ही बना है, ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बना है, क्योंकि ज्यादा शूट नहीं हो पाया, कुछ ज्यादा किया नहीं तो शूट क्या करता। तो ये ब्लॉग इतना ही था, करते हैं इस ब्लॉग का अब हम यहीं पर एंड, मिलेंगे बाप के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में किसी धमाकेदार वीडियो के में। तो रक्षाबंधन भी आ रहा है, पतंगे शतंगे भी उड़ानी है हमने, तो वो तो 11 तारीख को है रक्षाबंधन, तो अभी लेट होगा। तो चलो करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, आप करो तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। तो मिलते हैं आपके साथ कल के ब्लॉग में, देखते हैं कल क्या शूट हो पाता है। ओके गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।